एमडी म्यूजिक फिल्म में आपका स्वागत है। एमडी म्यूजिक फिल्म को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नए नए गाने सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और ये धरती कलाकारन के धरती है, वीरन के धरती है और ये बाबा के चरण में एक ऐश्वर विराज सुना दी, ठीक यही धरती से जुड़ल कहानी रही। आइए कर्म ऐसा करो जिसका प्राचित न हो, कर्म आदर्श है कर्म ही है भगीरथी, कर्म इंसान को विश्व विभूति बनाता, कर्म जन्नत भी है कर्म समझो है तीरथी, कर्म से राम कृष्ण बुद्धि का भी बने, कर्म से जिसकी घर घर में होती है पूजा, कर्म कौशल सफलता के कुंजी है जो कर्म जैसा जहां में नहीं दूजा। आए बाबू फिर हम सुनने वाले लोग ध्यान दीजिएगा, इंसान के जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हम दौलतमंद हैं, हमारे पास बहुत पैसा है तो हम ठीक हैं, लेकिन ये गरीब आदमी एक रिक्शा चलाने वाला 50 रुपया मजदूरी करके दिन भर कमाता, शाम के सुकून से अपने बीबी बच्चन के पास रहता बा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा धनवान है तभी खुश हैं। लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, लाख आदमी के जिंदगी व्यस्त हो, लाख आदमी अपने काम काज में व्यस्त हो, लेकिन हर आदमी के अपने कर्म कमाई करते पे ध्यान होके के चाहिए। ग्राम एक गजल का नमूना बा, कौन गजल है मास्टर? शुका से कहे कहा कहे कि प्यार के मूर्ति मिल गए कि प्यार के मूर्ति मिल गए हो यगर फिर से मिलने मिलाने का जिद ही ना करो, जा रहे हो तो लाने लेकिन ध्यान देंगे बाबूजी, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 12 कवि के कलम, कितना बढ़िया बात कवि जी लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन यहाँ जे भी हो सबके बदे हो। कहा नाम बा कैसे? मिटी जाएगी अरे मनोता बतायो रहम, मिटी जाएगी अरे मनोता बतायो रहम, सारी नफरत के दुनिया चली जाएगी, मिटी जाएगी
मास्टर कैसे कातिल कवि की ओर से उस खुदा को नमन है जिसके द्वारा बसुधा पे खिला चमन के कर्म अनुसार फल मिलता है जिंदगानी में तड़पना पड़ता है मानो कि इस जवानी में अवध नरेश नाग भोसा जी मशहूरी रहे अवध नरेश नाग भोसा जी मशहूरी रहे सजीवी आशक अपने राज के हुए मूरी देखे जान कौन चुप हुई थी नजरिया में न जाने कौन चुप हुई थी नजरिया में न जाने कौन चुप हुई थी नजरिया में न जाने कौन चुप हुई थी नजरिया में लगी नजरिया ए भैया बात गया प्रबंध समझ ली शांति रहे थोड़ा हल्ला ना हो अवध नरेश राजा नागभूषण बड़ा नेक बड़ा ऊंच विचार के राजा हुन राजसिंहासन पर बैठन हुन गरीबन के लाइन लगल हा तब तक एक नौजवान दौड़ते भागते आया और राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बाबूजी आंख में आंसू हो पूरे शरीर में कंपन हा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बोला कि अय राजा आप राजा नहीं बाबा आप इंसान के रूप में भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान से एक शिकायत है राजा पूछे किस बात की शिकायत बोला कि साहब आप जैसन महान रहते हुए एरियासत में हम हजारों गरीब रोटी बिना तड़प के मर जाइला वस्त्र बिना तरसीला यहाँ तक कि जवान बेटी के घर में रखले है भैया भैया जवान बेटी के घर में रख ली कन्या दान ना कर पाईला इतना कह के तो नौजवान चला गया बाबूजी लेकिन रात के बेला हा राजा के आंखी पर ना नींद बा ना चैन बा ना भूख ना प्यास यह सोचत हुन कि हम का लेके आई नहीं का लेके जाई सब कुछ तो यही रह जी तो कहे ना एक नेक काम कर दी हो तो सुबेरे राजा ऐलान करवा दिए कि आज से और अभी से एक बात के पूरे रियासत में पता चल जाए के चाहिए कि गरीबन के खाती राजा के दरबार 24 घंटा खुला बा बारे वो राजा अपने हाथ से हजारों गरीबों के रोटी दान करने लगे वस्त्र दान करने लगे इतना ही नहीं बाबूजी गरीब के बेटी के अपन बिटिया बना के यही जांघे पर बैठा के कन्या दान करत हूं बड़ा पुण्य के काम करे लगल है बाबू राजा के जयकारी लगे लगल लेकिन वही राजा जो इतना दान इतना पुण्य करता था बाबूजी एक दिन सुबेर के बेला हा नहा धो के पूजा पर ध्यान लगौले हुन और पूजा से जब ध्यान टूटल तो राजा देखत का हुन कि हमारे शरीर में जगह जगह कोढ़ के निशान बनल आवत बा आ है ओ समय
फिर राजा के पूरे शरीर में कोढ़ी फूट गई, पूरे शरीर से खून मवाद पीत बहुत बा। धीरे धीरे पूरे रियासत में ये बात के पता चल गया कि जो राजा इतना दान इतना पुण्य करता था, आज वो हमारा राजा कोढ़ी बन चुका है। सब लोगों के आंख में आंसू बा, सब लोग ये कहत बा कि ये राजा ई तोहार दुख देखल ना जात बा। अगर तुहरे प्रति अपन गर्दन कटावे को होई तो अपन गर्दन कटा दे, लेकिन अतना बतिया बहिन राजमहल में होते बा तब तक एक जोगी बाबा शरीर पर गेरुआ वस्त्र हाथ में सरंगी सितार ले ले हुन बा, बा। और राजा के दरबार के सामने आसन लगा के वो जोगी बैठ गया और सरंगी तेर तेर के बाबू यही गा रहा था कि बनले के सभा बिगड़ले के तोहार बनल हो तो तुम्हें हम गरीब अपना गर्दन कटा देंगे। जोगी बोला नहीं बाबू ये सत्य नहीं है, जब हम कहा थी तमन सत्य हा। एगो पुरनिया बाबा एलन हाथ जोड़ के जोगी बाबा के पैरवा पर गिर गिलन कलन, बाबा लड़का हमन माफी चाहत बानी, तहार लीलार बतावा था कि बहुत बड़ा जानकार हुआ तो एक बार चल के हमारे राजा के बता दा, देख के कि हमारा राजा कौन कर्म कमाई के चूक कैलस की कोढ़ी बन गई। भाई का ब्राह्मण एक लन गीत ना बाबी रेस्टोरेंट सारनाथ के धरती से गुरु जी की ओर से पुरस्कार रहल एक समय को प्यार चरण में रवन सभैया लोगों के प्राण बाबा अपने जमाना के हिट गीत रहल। कौन गीत बा मास्टर? आरा रा मेरी जाहनी राधा तेरे पे तुरु बाहनी में राधा रहे ना सकूंगा तुम सुतूर में कहलन। और हमरे अमित भैया की ओर से पुरस्कार हल गौरा के धरती से भैया के प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। जोगी बाबा कहलन का कहलन अरा रा ये पिया या है जोगी भजन को हो गाया है जोगी पहुंचा है राजा तहर तहर ले हमारी बचन राजा बात ही कहानी ना कठिन राजा बोले योगी इसी का निदान करेंगे बोले योगी इसी का निदान करेंगे राजा तुझे पुष्प समान करेंगे अरे ये किया यही जोगी फूल बरसाया है जोगी सरगम बजाया वो सितार ने महल में गईलन बड़ा सम्मान बड़ा इज्जत के साथ में आसन दे के जोगी बाबा के राजा साहब बैठौलन और जोगी बाबा के पैरवा पकड़ के रोवे लगलन कलन की बाबा जिंदगी में कौन ऐसा पाप ना कहनी हो बाबा एक कौन कर्म कमाई के चूक बा की हम कोढ़ी हो गई नी। जोगी बोला कि अय राजन हम तीन बात बताई और हमारे तीन बात में कोनो एक बात अपना लेवा ई तोहरे शरीर के कोर सही हो जी बाबा। लेकिन याद रहे तीन बात हम तब बताई जब तू हमें 3 लाख रुपया देबत तब 3 लाख रुपया ले जाके जोगी बाबा के चरण में डाल दिए। ए बाबा हमें का करे को ही बतिया तो बतावा। पहला बात जोगी बाबा बतौलन कि आ राजा 100 दिन एक बेशिया के घर में जाके एक बेशिया के सेवा करे के होई 24 घंटा के दिन एक बेशिया के साथ 100 दिन बीतेबा त
रास्ता भी तोहरे शरीर के कोर सही होई। अगर ई काम ना करबा तो दूसरा बार सुन ला, तोहरे रियासत में ब्राह्मण क्षेत्री वैर शूद्र चार बड़न में से कोई एक बड़न के लोग अपन गर्दन कटा दी ओकरे खून से तू नहमावल जीबा कि तोरे शरीर के कोर सही हो जी। अगर ये काम ना करबा तो तीसरा बार सुन ला, जा के बनारस काशी के धरती पर राजा हरिचंद्र घाट पर 100 दिन मुर्दा जलावे के होई तभी तोरे शरीर के कोर सही होई। जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके चल दलन, सोचत हुन कि ये गरीबन के खातिर अपन खून पसीना एक कैले ही। आज हमारे पर दुख पड़ल बा, तनी लोगन के परीक्षा लेके देखी कि हमारे दुख पके तैयार होत बा। हर जोगी बाबा के बात सुन के राजा ऐलान करवा दिए, और राजा के ऐलान सुन के राजा के दरबार खाली भाग चलो पंडा पुजारी छोड़ छोड़ के पूरी तरकारी। वही दरबार से उन लोगन भगावल गई हूँ। ब्राह्मण एक लंगीत बा, कौन गीत बा? कौन लड़की के बिया हो गई लोकर दुनाहा फौज में बा, 3 साल पे गवना होखे वाला रहल पचवा बीतल चाहत बा। दुलही फोन कैलस कलस की हेलो, हाँ बोलो, बिया तू कैला? हाँ गवनवा तोहर बाबू करे हां। अच्छा लड़का के फुर्सत ना तो बाबू ना करा सकेलन? देर जानकारी लेवे तो पेंदर से लेना। लड़की बताओ थे कहा थे कहा कहलस होता बह जहवानी अब जिया लिए राजा जी राजा रानी राजमहल में बैठ गए। वो थुअन 12-13 साल के एक बालक गया बोला कि अरे राजा काहे बदे रहे थुआ, पहुंच लीजिए यहाँ के आशू। 1000 प्रजा में से 1 प्रजा मर जीवे साहब, तो हमारे बिटिया बहन के कन्यादान हो जी, हम गरीबों के जिंदगी आबाद हो जी। अगर आपके कुछ हो गई तो हम गरीबों के सहारा के बने। आखिर नौजवान कैलस का कैलस अपना कटाई देना, राजा हवा मेरा दिल का, शिरवा अपने
राजा ऐलान करवा दिए, हाहाकार मच गया। गौर करेंगे बाबूजी, एहर जोगी बाबा के बाद सुन के राजा ऐलान करवा दिए। 12-13 साल के नौजवान बोला कि अरे राजा उठा लीजिए तलवार, काट लीजिए गर्दन, ले लीजिए हमारा खून। हजार प्रजा में से एक प्रजा मर्जी तक आ भइल, अगर आप जियत रहबा तो हतना लोगों की जिंदगी आबाद रही। रानी फूलमती बगलिये में खड़ा है, कली की सैया देरी को में बात के हा, उठावो तलवार जल्दी एकर गर्दन काटा और जल्दी खुनवा लेके नहा के ठीक हो जाइए स्वामी। राजा साहब जब अपने रानी के बात सुन लन, आंख से आंसू छल छला उठा, तलवे के नीचे से जमीन खिसक गया। अरे रानी तू पागल बन चुकी है, ये क्या कह रही है, अपने सुख स्वार्थ में एक गरीब के गर्दन काटी। नहीं रानी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आखिर राजा साहब को अलंग ब्राह्मण एकलन गीत बा, गवना भैले 5 दिन बीत गिल घर में जाते नहीं खे। मेहरारू पूछतिया कहाँ रहेला हो, बगीचा में हो, बगीचा में का करेला हो, पार बाबू भूसा गोरे के लगे। फालतू बोलबा, केकर बाबू हो, दुलहिया का हो, जियल चाहत हो कि मरन चाहत हो। भाई ने इतना जल्दी न मरा, उ बताओ ना इसका हालस कहाँ का हालस। तोरे तोरे तोहरा तो चढ़ गई बात, दुखिया जवानिया के भर गई बात। शंकर के नगारिया कहे निर्मल भारत जहां संगति लहरिया। के घर में जाई ना कोई गरीब के गर्दन काटो। आखिर राजा कैलन तो का कैलन, तेरी के अंदर भाव हमारा स्टोरी। अरे गुलशन में कबूतर उनाई गाई ना, अरे गुलशन में, अरे गुलशन में कबूतर उनाई गाई ना, मधु में मिलिंद मंजू कमले ही यंगराई रे यंगराई रे यंग जीजा। ए भैया एहो राजा साहब राज के ताज उतार के ले जाके राज सिंहासन पर रख दिए, जोगी वस्त्र पहन के राज रियासत धन दौलत सब त्याग के जाए लगलन। दौड़ के जाके रानी पैर पकड़ के रोने लगली, कली की स्वामी दौलत से नाता तोड़ देबा, रियासत से नाता तोड़ देबा, लेकिन हमके बतैले जा मांग में सिंदूर डाल के अपन दुल्ही बना के लाइल हुआ, हम कोने कोने के बिलार बन के जियब, एके तो बतैले जा। कलंक की आ रानी पतिव्रता धर्म निभैया, तो से वाणा करके जात भाई वचन दे के जा थी कि अगर हमारे शरीर के कोर सही हो गई तो तोरे संग आके अपने नई जिंदगी के शुरुआत करब, अगर ना हमारे शरीर के कोर सही हुई तो कहीं अपन जान दे दे। पूरे रियासत के लोग देखत हुन, भैया भैया पूरे रियासत के लोग देखत हुन कि बा बारी वो राजा, और यही राजा था कि जो अपने
अपने हाथ से हजारों गरीबों के रोटी दान, वस्त्र दान, कन्या दान करता था। आज ये राजा अपना कोढ़ी शरीर लेके रियासत छोड़ के जात हुआ। अरे बिरहा सुनने वाले बाबू, जिंदगी में धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी ही सब कुछ माने नहीं रखता है, लाख इंसान के जिंदगी व्यस्त हो, हर आदमी के अपन कर्म कमाई पे ध्यान होके के चाहिए। तो भैल का पापड़ के अंदर भाव है मास्टर। काशी के धरती पर एलन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके राजा हरिचंद्र घाट पर जाके मुर्दा जलावे लगलन। राजा सोच गए कि यही हमारी जिंदगी है और यही हमको बिताना होगा। अरे बाबा, आए हाय बाबूजी। राजा जाके मुर्दा जलावे लगलन। मुर्दा जलावत जलावत राम गेलन काशी के धरती पर, भुला गेलन महल के ऐशो आराम, मखमली सेज छप्पन प्रकार के व्यंजन। 100 दिन के दिन जब पूरा भइल, जोगी बाबा के कहले अनुसार जब राजा साहब गंगा जी में गोता मार के किनार पर भइलन और अपने हाथ से जब पूरे शरीर के ऊपर हाथ लगौले हुन, जोगी बाबा के कहले अनुसार जब राजा के शरीर के कोर सही सुंदर शबराल भइल, राजा एक बात कह गेलन। का कहलन? शरीर के कोर सही सुंदर सुबरन हो गई तो राजा सोचे थे कि रानी से हम वचन देले ही, वचन अनुसार चल के अपन कर्तव्य और अपन वचन की निभा दी। राजमहल की ओर गईलन, एक ही पैर उठा के जो ही राजमहल में डलन, रानी आवाज देती है, खबरदार ओई रुक जाइए राजा, हमरे ना जाने में कौन ऐसा पाप कर भइला बाबा कि तुहु कोढ़ी की जिंदगी जिए के मिलन। कलन की ये रानी का एके बतिया के रोज रोज ताना मारे लू, जिंदगी हो सके कोनो जन्म के चूक रहल, यही
उसी समय प्राचित भोगे के पड़ल तो पिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल कैसे सुंदर कलाकार विकास बावरा जी विजयलाल जी के शीश ए बाबू की ओर से सुंदर पुष्पहार पुरस्कार एक सभी कृपया बहुत बहुत धन्यवाद सर भैया लोगों के प्राण दान बाबू जी जो नौजवान राजा के प्रति अपन गर्दन कटाए बदे ऐलान कैले रहल ओ बिरादरी के नाम से सात गो गांव खुशी में दान कर देलन हर जवन जोगी बाबा तीन बात बता के 3 लाख रुपया लेके गई रहलन घूमत फिरत राजा के दरबार में अलन कलम की राजा तोरे शरीर के कोर सही हो गिल कल हाँ बाबा सही हो गिल कलम के याद रहे हम 3 बात बतौले रही तू हमें 3 लाख रुपया देले रहला जब ही तोरे शरीर के कोर सही हो गिल तो झोली से निकाल के रुपया लेके गई रहन घूमो फिरत राजा के दरबार में अलन कलम की अय राजा तोरे शरीर के कोर सही हो गिल कल हाँ बाबा सही हो गिल कलम की कुछ तोहार अमानत हमारे लगे पड़ल है हमारा अमानत आपके लग गए कलम की हाँ हम 3 बात बतौले रहनी तू हमें 3 लाख रुपया देले रहला जब तोरे शरीर के कोर सही हो गिल तो हई अपन 3 लाख रुपया वापस लेला राजा रानी पैर पगीर के रोवे लगलन कलन की बाबा का कहत हुआ ऐसन तो नाना है कि फिर से अपन दुख हमें वापस करत हुआ लगत बामन के जोन दुख रहन फिर से वापस करत हुआ कलन की ना राजा ऐसन कोनो बात ना है एक जोगी के जिंदगी का है कहा है कि जोगी है 3 लाख रुपया लेके करे तो का करे रमता जोगी बहता पानी जही सांस तहे बिहान ये महल से एक रोटी एक फटही लुगरी दे दा हमरे जिंदगी में दौलत से बढ़ के हो जी गौर करेंगे बाबू जी राजा रानी के पलक झपकल जोगी बाबा चल दिए राजा रानी के पलक झपकल उतनी में जोगी बाबा अंतर ध्यान हो गए तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा किस रूप में भगवान मिल जाएंगे ये कोई नहीं जानता है बाबूजी अपने से बड़े लोगों के सम्मान कर देना चाहिए बिखा दुखा दरवाजे पे एलन तोरे पले कुछ हाँ तो दे दा अगर कुछ ना हो तो केहू के अपमान करके अपने दरवाजे से मत भेजा तो ये रहा एक बिरहा जो ने बिरहा के शीर्षक रहल काशी की महिमा गीत के हमारे आखिरी बंद भाव है पत्ती छह बरती पुंज से निकली विमल है ज्योति काशी बुल्लू चमका चमन में अरे बन के हीरा मोती कुलशन में तब तरुणा